हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं प्याज का पोलो पापड़ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे खाने पे ही आपको एहसास होगा कि कितना इसका अलग स्वाद है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं प्याज से पोलो पापड़ बनाऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा और बहुत अच्छा ये एकदम खस्ता बन के तैयार होता है। तो मैंने यहाँ 3 प्याज ले लिया है, तो इसको मैं इसका जो छिलका है पहले इसको रिमूव कर दूंगी छिलका को। फ्रेंड्स, ये प्याज का पापड़ बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बन जाता है और बहुत ही यमी लगता है खाने में। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं भी जब पहली बार खाई तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना टेस्टी बन सकता है प्याज का पापड़। तो अब मैंने प्याज को अच्छे से छील लिया, अब इसको मैं पानी से वॉश कर दूंगी ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाए। स्लाइस में कट कर लेती हूँ। देखिए, ऐसे इसको छोटे छोटे पीस में काट लेना है ताकि इसका हम बारीक पेस्ट बना सकें। तो हमने अपने इस प्याज को अच्छे से काट लिया है। अब मैं लूँगी एक मिक्सर जार और इसमें ये प्याज जो मैंने काट के रखा है इसको सारा इसमें डाल दूँगी और एकदम फाइन इसका बारीक एकदम पेस्ट बनाना है पीस के। तो यहाँ मैं प्याज को पीसने के लिए आधा कटोरी पानी इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब मैंने इसको एकदम बारीक पीस लिया, ये देखिए। अब मैं एक छन्नी की हेल्प से एक बाउल में छान लूँगी, ये देखिए, पूरा इसमें डाल के और अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें ये जो थोड़े बहुत प्याज के चंक्स या छिलके बचे हों वो अच्छे से निकल जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब ये थोड़ा सा इसमें जो मोटा हिस्सा था इसका प्याज का वो बचा है। तो अब मैं इसमें ये मिक्सर जार को धुल के अच्छे से डाल दूँगी। फ्रेंड्स, पानी के मेजरमेंट का ख़ास ध्यान रखना है, ये मैं आगे वीडियो में दिखाऊँगी कि क्यों हमें मेजरमेंट का ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी मैंने ऐसे ही पानी इसमें ऐड कर दिया है, फिर मैं दिखाऊंगी ये कितना होना चाहिए। तो यहाँ मैंने अच्छे से छान लिया है, ये देखिए बहुत कम बचा है ये प्याज का पार्टिकल, तो इसको मैं फेंक दूंगी। तो यहाँ फ्रेंड्स, अब मैं इसको साइड में रखूंगी और यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी चावल है, ये जो सिंपल चावल होता है, कच्चा चावल, वही चावल है जो हम डेली चावल इसका बना के खाते हैं, वही चावल है। तो आप चाहें तो यहाँ चावल का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी इसीलिए मैंने यहाँ चावल लिया है। तो अब मैं इसको एक बाउल में ले लूँगी और इसको कई पानी से धुल के एकदम चावल को साफ़ कर लेना है। तो यहाँ मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है। अब मैं लूँगी ये कुकर और कुकर में ये सारा जो चावल है ये मैं डाल दूँगी। अब ये चावल को मैंने डाल दिया और जो मैं प्याज पीस के रखी हूँ ये देखिए, इसको भी अब इसमें ऐड कर दूँगी, लेकिन ऐसे नहीं ऐड करना है। जिस कटोरी से हमने चावल लिया है उसी कटोरी से हमें नाप के इसको ऐड करना है। तो देखिए, ये एक कटोरी और ये दो कटोरी, दो कटोरी में अभी थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा मैं इस बाउल को, जिस बाउल में मैं रखी थी जूस, तो इसको धुल के मैं पानी ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, ये दो कटोरी हो गया और हमें ऐसे ही दो कटोरी और पानी ऐड करना है, चार कटोरी हमें पानी इसमें डालना है। दो कटोरी हमारा हो गया, ये तीसरी कटोरी और ये चौथी कटोरी, तो चार कटोरी हमने पानी इसमें ऐड कर दिया। तो अब इसमें मैं स्वादानुसार नमक डाल दूंगी, आप जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ एक चम्मच जीरा मैं डाल दूंगी और यहाँ दो चुटकी में ये खाने का सोडा है जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, इसको ऐड कर दूंगी। इससे हमारा पापड़ बहुत ही खस्ता और बहुत ज़्यादा फूल के बनेगा, बहुत बड़ा बड़ा। तो इसको मैं ऐड कर दी, आपके पास पापड़ खान हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुकर गैस पर चढ़ा लिया है और इसको एक बार मिक्स कर देना है। और अभी मैं इसमें ढक्कन नहीं लगाऊंगी, थोड़ा एक उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें ढक्कन लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब ये उबलने वाला है, तो इसको एक बार स्टर कर देना है क्योंकि इसमें हमने खाने का सोडा डाला है तो इसमें उबाल बहुत तेज़ी से आएगा। तो थोड़ा सा इसको ऐसे स्टर कर लेना है। अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी और दो सीटी आने तक इसको अच्छे से पका लूंगी। उसके बाद दो सीटी आने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स देखिए, दो सीटी आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। कुकर अब ठंडा हो गया, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा चावल एकदम गल गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा सा और ठंडा करके मैं इसको मिक्सर जार में अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बना लूँगी। आप चाहे तो ऐसे ही आप बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कलर देना चाह रही हूँ, तो मैं इसमें एकदम डिफरेंट कलर में डालूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कोको पाउडर लिया है। आपके पास जो भी फूड कलर हो आप डाल सकते हैं, लेकिन प्याज है तो मैं थोड़ा सा अलग कलर देना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ चॉकलेट पाउडर इसमें ऐड किया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसको मिक्सर जार में डाल के अच्छे से फाइन पेस्ट बनाऊँगी, ताकि जो हमारा ये मिक्सर है अच्छे से एकदम कलर इसमें आ जाए। तो ये देखिए, जब ये पीसेगा तो इसमें ज़्यादा अच्छा कलर आ जाएगा। तो मैं अब इसको पीस के दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मिक्सर जार में आधा जो चावल का ये बनाई हूँ इसको मैं इसमें डाल दी हूँ, और इसको अब मैं एकदम बारीक फाइन पेस्ट इसका बना लूँगी, जिससे हमारा जो पोलो है बहुत ही अच्छा बने। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन मैं इसको बारीक पीस लेती हूँ। तो अब मैंने इसको एकदम फाइन पेस्ट बना लिया। ये देखिए, इसमें कोई पानी हमने ऐड नहीं किया है, और अभी ये थोड़ा सा गर्म है, अभी ठंडा होगा तो और ये ड्राई हो जाएगा, लेकिन हमें पानी नहीं इसमें ऐड करना है। तो मैं इसको एक बार सारा निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो थोड़ा सा और चावल बचा था इसको भी मैं पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारा चावल पीस लिया। अब मैं इसको इसका पोलो बना के दिखाती हूँ, जो पंखे के नीचे ही सूखेगा, जिसे धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोलो बनाने के लिए हमने यहाँ पॉलीथीन लिया है। आप चाहें तो दूध की थैली या नमक की थैली ले सकते हैं, मेरे पास ऐसे है एक पॉलीथीन छोटा सा, तो मैं इसी से बनाऊंगी। पहले मैं इसमें डाल लेती हूँ जो अपना पेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक कटोरी लिया है और इसमें इसको डाल दूँगी, क्योंकि मेरी पॉलीथीन जो है थोड़ी सी बड़ी है। अगर जो छोटा है तो आप उसे ग्लास में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें फिल कर लिया। अब इसको साइड में रख के इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ, और इसके कॉर्नर को मैं काट लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका कॉर्नर काट लिया है, और बस अब पोलो बनाना है, तो बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, बस इसको ऐसे दबाना है हल्का सा, और ऐसे उठा लेना है, एकदम गोल गोल आराम से ये बनता जाएगा। आप चाहें तो जितना मोटा पतला बना सकते हैं, मैंने थोड़ा मोटा रखा है क्योंकि हमें पोलो का शेप देना था। तो ये देखिए, ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये सूखने के बाद इसका कलर और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें चॉकलेट पाउडर ऐड किया है। तो इसको मैं ऐसे ही पंखे के नीचे बना के सुखा लूँगी, फिर सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ईजिली आराम से ये बन जा रहा है। ये देखिए, सूखने के बाद हमारा जो प्याज का पापड़ है उसका कलर ऐसे आ गया है, और कितना सुंदर ये पोलो पापड़ बनके तैयार हुआ है। बहुत अच्छा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको फ्राई करके मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया, मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छा ये फूल के एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा से ये कितना बड़ा हो गया फूल के। फ्रेंड्स ये देखिए, फ्राई करने के बाद कितना अच्छा हमारा ये पापड़ बन के तैयार हुआ है, और एकदम हल्का, एकदम क्रंची, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर जो मेरी ये प्याज के पापड़ की रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।